शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं जल्द से जल्द मथुरा पहुंचना होगा। अपनी बेटी तुलसी से अधिक प्रेम तो नहीं करते होंगे आप उस तुलसी धाम को? उसी तुलसी बिटिया के कारण मैंने सत्य का साथ निभाने का निर्णय लिया है, इसीलिए तुलसी धाम के कानूनी पेपर पर आपका कभी नाम नहीं होगा। पेपर से याद आया, आजकल पेपर में रोज खबरें छपती रहती हैं एक्सीडेंट की। पंडित जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो प्यारी बेटी है तुलसी, वो अभी दुर्घटना बहुल क्षेत्र में है। चल चल बाइक आगे ले, कहीं हाथ से निकल ना जाए। और खास करके मथुरा के सड़क पर स्कूटी चलाना थोड़ा रिस्की है कहीं। त्रिगुण जी, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे और आपके धमकियों से मैं डर जाऊंगा? लगता है आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लाइव टेलीकास्ट करवाए देते हैं आपके लिए। जी जी जी। अरे पनवारी कहाँ मर जाते हो यार, एक एक रिंग में फोन उठा करो। हाँ सुन सुन, बाऊ जी को अपने शिकार का लाइव टेलीकास्ट देखना है। बाऊ जी लीजिए, देख लीजिए, आप ही के लिए है खास। यही है ना आपकी 21 साल की तपस्या? बोलिए क्या वरदान दूं आपकी इस तपस्या को? यदि आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो राम श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा है, वासांसी जीनानि यथा विहाय नवानि घृणान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। सरकार, तुलसी हमारे सामने ही है, अब क्या करना है इसको? सरकार ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ किया कहाँ है कथावाचक, अब करूंगा। क्या करना है मालिक? अनवाड़ी के कितना बोलेगा कितना पूछेगा, मार गोली। रुक, ले ये पकड़ तू। त्रिगुण जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, भगवान के लिए आप लोग मेरी बिटिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सुनवाड़ी के खत्म कर इस खेला को। नहीं! यदि मेरी बिटिया तुलसी के साथ कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कलयुग में भले ही धर्म के 3 स्तंभ खंडित हुए हैं और पाप चारों तरफ फैल रहा है, परंतु एक चीज आज भी अपने वास्तविक रूप में है, और वो है माता पिता का अपने संतान के प्रति मोह, उनकी चिंता, जो ना कभी समाप्त हुआ है और ना ही होगा। भले ही इस कलयुग में मैं तुलसी का साथी हूँ, पर एक पिता के रूप में श्याम सुंदर जी की चिंता उचित है, यह उनका पितृधर्म है। बस 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 बस, यही देखना था मुझे।
दिन रात भगवान भगवान करने वाले भक्त के अंदर इंसान जिंदा है कि नहीं? देख लिया मैंने आपके मन में अपनी बिटिया के लिए प्रेम, बस यही देखना था। अब और प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। त्रिगुण जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया तुलसी कहाँ है। नेताजी, अरे जल्दी बताओ इनकी बिटिया कहाँ है, नहीं तो कथावाचक के हाथों मर्डर हो जाएगा मेरा। अरे बड़ी बेइज्जती होगी। इट इज रिंगिंग। हेलो। हाँ तुलसी बिटिया, तुम कैसी हो? बाबा, बाबा आप कहाँ हैं और ये किसका नंबर है? बिटिया वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तुम तो ठीक हो ना? क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारी स्कूटी के गिरने की आवाज सुनी। स्कूटी फिसल गई थोड़ी सी, पर आपको कैसे पता ये सब? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मथुरा आने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम सीधे अपने घर पहुँचो। बाबा, बिटिया तुम घर पहुँचो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब देखो प्रवचन शुरू हो गया। हेलो हेलो बाबा, आपको आवाज आ, हेलो। बाबा की आवाज से लग रहा था वो जरूर किसी संकट में है। हम मथुरा जा रहे थे और हमारी स्कूटी, पर बाबा को ये कैसे पता? कहीं बाबा आस पास ही तो नहीं? क्यों अचानक हमारी स्कूटी का एक्सीडेंट? हमारी स्कूटी गिरी है या गिराई गई है? कथावाचक जी, ये आपके जीवन का कमाया हुआ पुण्य ही था जो अभी तक आपकी बेटी जिंदा है। और पाप से भरी इस दुनिया में कब तक टिकेगा आपका पुण्य? नहीं 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 नहीं, गलत ना समझे, मैं तो चाहता हूं कि आपकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे, पर आप समझ गए ना? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मेरी सीधी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि इन कंधों पर आपकी बेटी की अर्थी नहीं भगवान की पालकी उठे, तो कल 11 बजे आ जाइएगा रजिस्ट्रार के सामने तुलसी धाम के पेपर्स मेरे नाम पर साइन करने के लिए। अब या तो आप मुझे तुलसी धाम देंगे या अपनी तुलसी को खो देंगे। सिद्धांत को मनुष्य भली भांति जानता है, वो जानता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तब भी मनुष्य मन में अच्छे फल की इच्छा लिए हुए बुरे कर्म करता है। एक बार दुर्योधन ने भी कहा था, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही, अर्थात मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे हटने की कोई इच्छा नहीं है। यही स्थिति आज के मनुष्य की है। वो ये भूल जाते हैं कि हर किए गए कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।